नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। वक्त हो गया है उत्तराखंड यानी कि देवभूमि एक्सप्रेस का। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र न कराए जाने को लेकर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। उत्तराखंड विधानसभा के अधिकांश विधायक ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित बराड़ी सैर विधानमंडल भवन में बजट सत्र आहूत करने के पक्ष में नहीं दिखे। बराड़ी सैर की कंपा देने वाली ठंड से लगभग 40 विधायकों के वहां जाने से इरादों को ठंडा कर दिया है। विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि इस बार का बजट सत्र देहरादून में कराया जाए, जबकि विधानसभा ने यह संकल्प पारित किया है कि बजट सत्र बराड़ी सैंड स्थित विधानमंडल भवन में ही होगा। ने इसके लिए सरकार को पत्र लिखा है। हर वर्ष चारधाम यात्रा शुरू होगी और वो समय वही होता है और सरकार ने पिछले बार बहाना किया, अगर फरवरी और मार्च में भी हम नहीं कर सकते तो हमने उसको राजधानी घोषित क्यों किया। इसमें चाहे वो किसी ने भी दस्तखत किए हैं, मेरी जानकारी होता है कभी कभी ऐसा होता है एक ही विधायक एक पत्र में दस्तखत करा लेता है, उसमें बाद में लिखा जाता है, हो सकता है उस तरीके की बात रही हो। लेकिन जिन भी जनप्रतिनिधियों ने गैरसैंण में सत्र बुलाने का विरोध किया है, निश्चित ही उन्होंने जो शहीद हैं उनकी भावनाओं का, आंदोलनकारियों की भावनाओं का को ठेस पहुंचाने का काम किया है। मैं ये कहना चाहता हूं, बजट सत्र गैरसैंण में नहीं बल्कि देहरादून में ही हो रहा है, जिसकी तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के कई विधायक गैरसैंण में सत्र न करने को लेकर समर्थन में भी दिखे, जिसका एक बड़ा कारण ठंड को भी बताया गया है। वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि पार्टी के सभी विधायक और नेता गांव-गांव में नए और प्रवास किया है। वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि पार्टी के सभी विधायक और नेता गांव-गांव में गए और प्रवास किया है और उन्होंने 15,000 फीट की ऊंचाई पर भी प्रवास किया है। वहीं गैरसैंण में कोई कार्यक्रम तय किया जाता है तो सभी विधायक वहां जाएंगे, लेकिन ठंड का कोई प्रसंग नहीं है। देखिए, ठंड लगने या न लगने का तो कोई विषय नहीं है, न कोई प्रसंग इस बात का है। अभी हमारे सारे विधायकगण, सभी पार्टी के नेतागण गांव-गांव में गए हैं, रात्रि को प्रवास किया है। वो आपने 15,000 फीट की ऊंचाई पर भी स्थित गांव है और देहरादून में स्थित गांव भी है, सभी गांव में जाने का हमारा कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसलिए गैरसैंण में अगर कोई कार्यक्रम तय होता है सरकार के द्वारा तो सभी विधायक जाएंगे। विधानसभा सत्र गैरसैंण में हो इसके लिए पूर्व में सरकार संकल्प भी ले चुकी है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि सरकार के पास स्वयं बीजेपी और कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों का हस्ताक्षर किया पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने देहरादून में भी सत्र आहूत करने की मांग की है। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है, लेकिन पहाड़ का प्रतिनिधित्व करने वाले जन प्रतिनिधि ही पहाड़ को गैर समझने लगे हैं। देहरादून से सुनील राज की रिपोर्ट।
सुनील राज हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं देहरादून से, उनके पास चलेंगे और जानेंगे कि जिस तरीके से गैरसैंण को लेकर सियासत गरमा रही है, तो क्या आने वाले दिनों में अगला विधानसभा सत्र जो होगा वो गैरसैंण से होगा या फिर देहरादून से? सुनील राज, देखिए इसका स्पष्ट आंसर ये है कि अब सत्र देहरादून में ही होगा और ये बजट सत्र देहरादून में ही समाप्त होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि गैरसैंण एक जनभावनाओं से जुड़ा हुआ मसला है। ऐसे में जब आंदोलनकारियों ने राज्य के लिए आंदोलन किया था तो उस समय उन्होंने राजधानी गैरसैंण मांगी थी। ये हल तब से लेकर अब 2000 से लेकर अब तक 2024 तक नहीं हो सका, लेकिन बीच में जब त्रिवेंद्र गवर्नमेंट आई थी, त्रिवेंद्र गवर्नमेंट ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया, लेकिन वहां पर उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो सका जितना वहां पर होना चाहिए था। चूंकि हवाला ये दिया गया है, जो ये पत्र जिसकी जिसकी हम बात कर रहे हैं, अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जब अभी ये स्पेशल सेशन देहरादून में था तो उस समय कुछ विधायकों ने एक पत्र विधानसभा अध्यक्ष को लिखा जिसमें उन्होंने कहा है कि गैरसैंण में मूलभूत सुविधाएं नहीं है, बहुत सारे कर्मचारी जाते हैं, मीडिया कर्मी जाते हैं और विधायक जाते हैं, तो वो व्यवस्था वहां पर नहीं बन पाती। ऐसे में ठंड का सीजन है तो इस बजट सत्र को गैरसैंण में ना करवा कर बल्कि देहरादून में आहूत कराया जाए। तो इसका एक फैसला कैबिनेट में भी आया, ये प्रस्ताव जब कैबिनेट में आया तो कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी और देहरादून में कराने की बात कही। हालांकि डेट निश्चित नहीं हुई है, दिनांक के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया है कि जब चाहे वो देहरादून में सत्र करवा सकते हैं। ये तो रही इस पूरे मसले की बात, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस गैरसैंण को लेकर अलग राज्य की अलग जगह, जिस गैरसैंण को लेकर जो गैरसैंण हमेशा से जनभावनाओं का बसला रहा है, उस गैरसैंण में करीब 40 से ज्यादा विधायक नहीं जाना चाहते और ये पत्र विधानसभा को अध्यक्षा को लिखा गया है। इस पूरे प्रकरण पर सियासत इस मायने में हो रही है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष इसे शहीदों की भावनाओं का अपमान बता रही है और साथ ही साथ ये कह रही है कि सरकार हमेशा हवाला देती है, क्योंकि जब ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है उस समय चारधाम सीजन पीक पर रहता है और हवाला ये देती है सरकार की वहां पर, इसलिए हम ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर यात्री बहुत ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं, चाहे वो बद्रीनाथ हो और केदारनाथ, यही रूट वहां के लिए जाता है, तो वहां पर अव्यवस्था न हो इसके लिए पार्किंग की व्यवस्था भी चाहिए होती है और तमाम सारी व्यवस्थाएं चाहिए होती है, इसलिए इस ग्रीष्मकालीन सत्र को ना करके बल्कि अगला जो सत्र होता है उसको वहां पर करवाने की बात कही गई थी। और ये जो बजट सेशन था इसको भी गैरसैंण में करवाने की बात कही गई थी, लेकिन जब विधायकों ने ये पत्र दिया और ये कैबिनेट में प्रस्ताव आया तो कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और सत्र देहरादून में कराने की बात कही। पर इस पर अब बीजेपी का कटाक्ष ये है, बीजेपी का जवाब ये है कि हमारे तमाम विधायक, चाहे वो देहरादून के गांव हो या फिर दूरस्थ सीमांत क्षेत्रों के गांव, चाहे वो 2000 फीट की ऊंचाई पर हो या 3000 या 15000, वहां पर उन्होंने प्रवास किया है तो ठंड का कोई विषय नहीं बनता है। तो अगर ठंड का विषय नहीं है तो विधायक वहां पर क्यों नहीं जाना चाहते, नंबर एक सवाल। अगर उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को घोषित कर दिया तो वहां पर ग्रीष्मकालीन सत्र क्यों नहीं करवाती है सरकार, ये तमाम सवाल आते हैं। अब हवाला ये दिया गया है कि गैरसैंण में हम ग्रीष्मकालीन सत्र करवाएंगे, अगर उस समय पीक पर सीजन रहेगा जैसा होता ही है अमूमन देखा जाता है, तो क्या वहां पर सत्र हो सकेगा, ये तमाम सारे सवाल आते हैं जिनका जवाब चाहे सरकार हो या पक्ष और विपक्ष के विधायक उनको जनता को दे रहा होगा। दूसरी बात और महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने यह कहा है कि उनके पार्टी के जिन विधायकों ने गैरसैंण को लेकर सत्र न कराए जाने की बात कही और पत्र में साइन किए हैं उनसे वो जवाब तलब करेंगे जी। लेकिन सुनील, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि जो पत्र लिखा गया उसमें लगभग 40 विधायकों के हस्ताक्षर हैं, 70 विधानसभा सीट हैं, 40 विधायक गैरसैंण को विधानसभा के लिए प्रमोट कर रहे हैं, और दूसरी बात है कि भौगोलिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो क्या सुटेबल बैठता है देहरादून या फिर गैरसैंण इस समय जो शीतकालीन चल रहा है सत्र, जो मौसम ये स्थिति तब है, ये स्थिति अभिषेक तब है
जब उत्तराखंड का सबसे ज्यादा भूभाग पहाड़ी क्षेत्र में बसता है, खाली अगर तीन जनपद, एक जनपद को, दो जनपदों को छोड़ दें, हरिद्वार और उधमसिंह नगर, नैनीताल और देहरादून का आधा हिस्सा पहाड़ी क्षेत्र का है, तो ये इन जनपदों में पहाड़ी मैदानी मूल के लोग रहते हैं, लेकिन ये पूरा अंचल पहाड़ से लगा हुआ है, पूरा प्रदेश। तो ऐसे में 70 विधानसभाओं की राज्य वाले राज्य में 40 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने, 40 से ज्यादा विधायक ऐसे हैं जिन्होंने इस पत्र को साइन करके विधानसभा अध्यक्ष को कहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यही, जैसा आपका सवाल था, यही मौसम ऐसा होता है कि बेहतर गैरसैंण में सत्र कराने के लिए बेहतर होता है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ दीपक, कि अगर सरकार समय रहते ये विधानसभा का विकल्प तलाश लेती तो वहां पर सत्र बेहतर तरीके से किया जाता और कभी भी किया जा सकता था, और उतने अधिकारियों की आवश्यकता वहां पर जाने की भी नहीं थी, क्योंकि इतने तमाम सारी फाइलें जाती है ट्रकों से वहां पर, अगर जाएंगी तो उनको वहां पर पहुंचाना उतारना तमाम सारी बातें होती। लेकिन अगर ये पूरा ई विधानसभा से जुड़ता और पूरा ई सचिवालय वहां पर बनता तो इस तरह की तमाम सारी दिक्कतें नहीं आती। इस ओर भी सरकार सोच रही है, उस दिशा में आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा कि वो ई विधानसभा बन जाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर इस सीजन में भी वहां पर सत्र नहीं हो रहा है तो सरकार आखिर विधानसभा गैरसैंण में विधानसभा सत्र कब करवाएगी, कब करवाएगी, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपने बता चुका है कि ग्रीष्मकालीन में भी यही दिक्कत होगी, केदारनाथ बद्रीधाम की यात्राएं भी होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील राज, हमारे साथ आप जुड़े और तमाम आपने जानकारी साझा की। उत्तराखंड में इस वर्ष का बजट सत्र होना है, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि यह बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की भराड़ीसैंण में होगा, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने इस कयासों पर पूर्ण विराम लगाते हुए कहा कि अब बजट सत्र देहरादून में ही होना तय हुआ है, लेकिन अभी दिन तय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि विधानसभा वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट सत्र को लेकर पूरी तरह से तैयार है, जो कमियां होगी उनको समय से पहले ही ठीक कर लिया जाएगा। आप लोगों ने कल देखा होगा कैबिनेट में ये निर्णय हुआ है कि देहरादून में होगा, क्योंकि इसमें गवर्नर साहब का भी भाषण भी होता है, उसके बाद बजट सत्र होगा। 2024 का ये पहला सत्र होने जा रहा है, तो हम लोगों के जो विधानसभा का जो सचिवालय है वो पूरी तरह से तैयार है, तैयार रहता है, और जो भी छोटी मोटी चीजें हैं अब उनको हम पूरा करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी दो दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। बता दें कि इस दौरान दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय परिषद की बैठक में सीएम धामी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सहित सांसद, विधायक और वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल होंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि लोकसभा चुनाव में जीत का अंतर कितना बढ़ाया जा सकता है, इस विषय के साथ कई मुद्दों पर गंभीर चिंतन किया जाएगा। सेशन रहने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी का सेशन रहेगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संबोधित करेंगे, प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे, और उसमें जो राजनीतिक प्रस्ताव हैं पार्टी के वो भी पास होंगे। और उत्तराखंड से माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं, तमाम हमारे जितने भी विधायक हैं वो लोग गए हैं, मेयर गए हैं, डिप्टी मेयर गए हैं, प्रदेश के पदाधिकारी वहाँ, सभी लोग वहाँ पर रहने वाले हैं आज। और दो दिन का ये अधिवेशन में विभिन्न चीजों को लेकर के चर्चा होगी, और बेसिकली 2024 के चुनाव में हम जीत का अंतर और कितना बढ़ा सकते हैं, इन सब चीजों पे हमारी चर्चा होने वाली। सितारगंज में विभिन्न दलों के सैकड़ों लोगों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बीजेपी में शामिल हुए। इन सभी को बीजेपी जिला अध्यक्ष कमल जिंदल और मंडल अध्यक्ष आदेश चौहान ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष कमल जिंदल ने कहा कि बीजेपी अपने वसूलों, सिद्धांतों और नीतियों से आज विश्व की सबसे बड़ी और शक्तिशाली पार्टी है, और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार प्रगति कर रहा है। मंत्री जी के निवास पर कार्यक्रम आज पूरे देश के अंदर आप देखें, प्रदेश के अंदर देखें, लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता पाने के लिए आते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि इस देश का विकास अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी परिवार में हैं, इनका स्वागत है।
और आज सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि जो माननीय मोदी जी का कहना है कि अब की बार 400 बार। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और यूथ कांग्रेस के खाते फ्रीज किए जाने के खिलाफ आज राजधानी देहरादून स्थित महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी की अध्यक्षता में तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आयकर विभाग के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। हालांकि पुलिस ने बैरिकेड लगाकर पहले ही तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक लिया। इस दौरान महानगर कांग्रेस अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। जिस तरह से खाते सीज किए गए हैं, ये दर्शाता है कि भाजपा सरकार पूरी तरह से तानाशाह रवैया अपना रही है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। कांग्रेस इसका घोर विरोध करती है। तो ही प्रदर्शन में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी सरकार पर वार करते हुए कहा कि बीजेपी लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है, ये तानाशाह रवैया बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, लोकतंत्र के लिए ये स्वस्थ जो इन्होंने प्रक्रियाएं अपनाई है बिल्कुल गलत है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के और इंडियन यूथ कांग्रेस के जो खाते सीज किए गए हैं, लोकतंत्र के लिए सही नहीं है और विपक्ष को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। एक तरफ भाजपा बोल रही है 400 पार 500 पार, अगर आपको इतना विश्वास है तो आप इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं, हिटलर शाही का रवैया क्यों कर रहे हैं, विपक्ष को खत्म करने का इतना प्रयास क्यों किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, इसलिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और जिसका हम लोग आज विरोध कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए। ये राजनीतिक दलों को काम नहीं करने देना, अपने विपक्षियों को हर तरीके से परेशान करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। देश को इस बात पर विचार करना चाहिए कि जब चुनाव प्रक्रिया लगभग प्रारंभ हो चुकी है, लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया, सारे राजनीतिक दल उसकी तैयारी में लग गए हैं, तो ऐसे समय में एक राजनीतिक दल के खातों को आप सीज कर रहे हैं, सारे खातों को सीज कर रहे हैं, या खात को नहीं कर रहे हैं, सारे खातों को सीज कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप चाहते हैं कि कांग्रेस जो लेजिटिमेट उसकी एक्टिविटीज़ हैं, जो वैधानिक गतिविधियां हैं, उनको भी न कर पाए। क्या चाहते हैं आप? हरिद्वार पुलिस ने मां बेटे की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस लाइन में तैनात दरोगा छुन्ना सिंह समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि मां बेटे से 20 लाख रुपए के दरोगा और उसके साथियों ने लूट किए थे। फिलहाल पुलिस ने रकम भी दरोगा और उसके साथियों के कब्जे से बरामद किया है। वही मामले में फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। SSP ने बताया कि कुछ दिन पहले झबरेडा में एक 20 साल के युवक का शव मिला था, जिसके जेब से एक पर्ची मिली थी। पर्ची में कुछ नंबर थे और एक नंबर सलीमपुर क्षेत्र के मिस्त्री का था। चूंकि युवक की हत्या की गई थी, इसीलिए पुलिस ने जांच तेज कर दी और युवक की शिनाख्त के बाद पुलिस के सामने चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसके तार सीधे पुलिस के ही दरोगा से जुड़े थे। कुछ दिन पूर्व एक लड़के की डेड बॉडी मिली थी, जिसके गले में निशान था। पुलिस ने इस मामले को संगीनता से लिया और इसमें तुरंत SO के द्वारा एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभी इसमें 3 लोग अरेस्ट इसमें किए जा चुके हैं, जिसमें छुन्ना सिंह है, इसके साथ सहजाद और विनोद, और जो कार जिसमें इनके द्वारा डेड बॉडी को ठिकाने लगाया गया था, जिसमें वारदात हुई थी अल्टो, वो भी हम लोगों ने कब्जे में ले लिया। बाकी इसका जो पैसा है जो इनके द्वारा इनसे लूटा गया था, वो भी पुलिस ने रिकवर किया है 10 लाख रुपए, और बाकी इन तीनों को ही अभी पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय में भेजा जाएगा, वहीं पर आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें और देखते रहें स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।